महादेव दोस्तों, फिर एक ब्लॉग के साथ आ चुके हैं हरिद्वार के अंदर। हर की पेड़ी दिखाते हैं हम आपको। हर हर महादेव, ये देखिए दोस्तों, ये हर की पेड़ी है। इधर स्नान चल रहा है इधर, और ये गंगा। स्तर बहुत कम हो चुका है स्नान में यहाँ पे हरिद्वार के अंदर। मौसम बढ़िया हो चुका है, बढ़िया एकदम। ओके की रिपोर्ट महादेव दोस्तों। और मैं दिल्ली से आ रखा था कल रात का, रात में भी आया था, सुबह बना रहा हूँ। भीड़ कोई कंजूसी नहीं है, भीड़ जबरदस्त हो रही है। और नीचे की तरफ उतर चुका हूँ पुल से अभी, और आगे बढ़ते हुए दोस्तों वो सामने हर की पेड़ी है, वहाँ पे जूते चप्पल नहीं जाते, इसलिए जिसे सामने ना ना हो जूते चप्पल साइड में उतार सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे जमा हो जाते हैं लोकर में। उस साइड में लोकर दे रखे हैं इन्होंने इधर पीछे की तरफ। और आज हर की पेड़ी के अंदर बिल्कुल भी जल नहीं है, और भाव भी बहुत कम हो चुका है यहाँ पर, ये देखिए। और अभी धूप नहीं निकल रही, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बढ़िया मस्त एकदम। हर हर गंगे। अगर आप हर की पेड़ी पे स्नान करते हैं उस साइड में, तो आपको लेडीज़ के लिए बाथरूम वगैरह चेंजिंग करने के लिए वो वाला रूम है, उधर चेंज कर सकते हो। बाकी अदरवाइज बहुत ही कम घाटों के पास बना हुआ है, बाकी तो इधर पूरी फैसिलिटी है, इस साइड में आप आ सकते हैं। और हर की पेड़ी में बता दूँ ये नहीं तो लोगों को पता नहीं होता हर की पेड़ी कौन सी है, सब इस साइड ऑपोजिट नहा के चले जाते हैं। हर हर ये देखिए दोस्तों, घंटा घर है ये। भीड़ जबरदस्त है दोस्तों, ये देखिए। अब एक जगह से और दिखला देता हूँ, मैंने जो बताया था आपको स्नान के लिए और बता देता हूँ। ये देखिए जो रूम बने हुए, ये चेंजिंग के हर की बड़ी के पास। हम जा रहे हैं इस टाइम भोले बाबा की ओर बढ़ते हुए, और यहाँ देखिए कितना साफ सुथरा है घाट। आज पहली बार मुझे हरिद्वार के अंदर इतना साफ सुथरा दिखा है। ये देखिए दोस्तों, भीड़ तो पूरी है, बरकरार है, भीड़ में कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और चलते आगे बढ़ते हुए वो दिखलाते हैं भोले बाबा के पास। हर हर यहाँ की मार्केट है, छोटी मोटी कुछ भी खरीद सकते हो आप, याद ही होगी। ये देखिए बोले बाजार से लगा रखा है इन्होंने पुल के पास। इस साइड में कोई ज़्यादा पानी नहीं है, देखिए यात्रीगण नीचे उतर के आ चुके हैं, तो पानी का भी कोई भरोसा नहीं कब छोड़ गए हैं दोस्तों। यहाँ कभी भीड़ बहुत हुआ करती थी, आज पानी का भाव बहुत कम है, यहाँ है ही नहीं बिल्कुल, ना के बराबर है। ये देखिए ये तो यहाँ कम से कम बहुत 5-5 फीट ये पेड़ी तक चलता है पानी यहाँ। और आगे बढ़ते हुए देखिए बिल्कुल खाली पड़ा है, सुनसान है इस साइड तो। और हर की पेड़ी की तरफ बहुत भीड़ भाड़ हो रही है। और बाबा के पास पहुँचते हुए अभी पहुँचने वाले हैं, महादेव के पास पहुँचने वाले हैं जी। और बाबा के दर्शन यहीं कर लो, हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ छोटा सा मंदिर बना रखा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। पर थोड़ी दूरी पर रह चुके हैं बाबा, जो बड़ी सी मूर्ति है यहाँ पे हरिद्वार के अंदर, वहाँ जाते हैं अभी। हर हर महादेव बना रखा है, कई सारी मूर्तियाँ यहाँ के अंदर, बजरंगबली की अलग अलग मूर्ति, शेरावाली माता भी है यहाँ। दोस्तों पहुँचने वाले हैं महादेव के पास, जो कि कभी कभी हर 5 साल में मूर्ति का रंग चेंज करते रहते हैं।
कभी गोल्डन कर देते हैं पूरी। आज कलरफुल है महादेव की मूर्त पूरा। ये वाला घाट तो पूरा सूखा पड़ा है, ये देख सकते हो आप आराम से, पूरा सूखा पड़ा ये घाट। और यहाँ से एंट्री है इसकी घाट की। हर हर महादेव, अरे महादेव के दर्शन करो दोस्तों। हर हर महादेव, खूबसूरत लग रही है भैया। महादेव तो महादेव ही है। और ये पूरा पार्क टाइप बना रहा है। महादेव के दर्शन कराए दोस्तों, कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर लिखना। ये देखिए महादेव, जय भोले की। बहुत ऊंची है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 80-100 फुट ऊपर है, मुझे इतना पता नहीं है, आपको पता है तो ज़रूर बताएं। हर हर महादेव। और ये पूरा पार्क है, पार्क में ही है, आप यहाँ पे घूम भी सकते हो बढ़िया एकदम। पार्किंग है नहीं, कभी भी ध्यान रखना, बाइक लग सकती है, कार कभी नहीं लग सकती यहाँ पे। और बहुत बढ़िया, और दिखाते हैं हम आपको। देखा दोस्तों कितने बढ़िया दर्शन हुए हैं अभी महादेव के। और थोड़ा फ़ोटो धूप उस साइड से निकली हुई है तो और फेस काला आ रहा है। हर हर महादेव। और ये भाई हमें यहीं मिले, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमारे फ़ोटो खींचे और हमने भी इनके फ़ोटो खींचे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ।